भोगनाबाद XML मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब के भाई मुजीब पटेल साहब ने JDS पार्टी को रिजाइन दिए हैं। आप मुझे क्या बोले, CM फैज कैसे है तो खूबसूरत है, जीत पाए ने बोला आपको खूबसूरत है, हैंडसम है, ग्रेजुएट है, राज्य अध्यक्ष के बेटे है, फिर उससे ज्यादा और कितनी खूबसूरती रहेंगी। देखो जमहूरियत है, खासकर नाराजगी किससे है? नाराजगी किसी से नहीं, हम कुमार स्वामी साहब के साथ में है या देवगढ़ साहब के साथ में है, फिर क्या इब्राहिम साहब के साथ में है, सीएम फैज साहब के साथ में, देखो या गोरे साहब के साथ में, दस्तगीर साहब के, आखिर मेन नाराजगी कहाँ से है? मेराजुद्दीन पटेल साहब क्यों आ रहे? 2008 में मेराजुद्दीन पटेल साहब आने की वजह क्या है? वोटर्स नहीं आ रहे, वर्कर्स नहीं आ रहे, लीडरों की कमिटमेंट राजकीय से मेराजुद्दीन पटेल आ रहे। हालात में सीएम इब्राहिम साहब आए थे, वहाँ पे आप भी बैठे थे, प्रेस मीट कर रहे थे, दोनों बोले कि आज मेरे साथ में कौन बोल रहे कि मेराज पटेल की फैमिली साथ में नहीं, ये देखो मेराज पटेल के भाई भी हमारे साथ में हैं, तो आप भी बैठे थे जब, देखो तब तक तो थे आप, क्या हो गया? देखो मैं आपको बात बोलूँ, मैं प्रेस में आपकी बात नहीं करा, शादी में कोई भी आता है बाजू दूल्हे के बैठे बाद दूल्हा थोड़ी ही होता है, मेरे को क्या प्रेस में आपको बात करा क्या? मैं इब्राहिम साहब के साथ हूँ बोल के बात करा क्या आपको? इब्राहिम साहब बोले कि मेराज पटेल आए, मैं गयास भाई मेरे को रायसुर में मिले, चाय पी रहा था, मैं गयास भाई मेरे प्रेस मीटिंग दे रहा हूँ बोल के थोड़ी बोल सकते, बैठा था, बुलाया उन्होंने, गया बात करा आया, उसके बाद तो भोगनाबाद XML मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब के भाई मुजीब पटेल साहब ने JDS पार्टी को रिजाइन दिए हैं। हम आपको बताते चले कि होमनाबाद XML मरहूम मेरा जो दिन पटेल साहब, आप और हम सभी को मालूम है कि होमनाबाद से MLA और मिनिस्टर के साथ ही साथ JDS पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके इंतकाल के बाद उनके भाई नसीमुद्दीन पटेल साहब ने होमनाबाद से दो मरतबा MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए थे, जिसमें नसीमुद्दीन पटेल साहब को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, मगर इस बार वो भी JDS पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके अब वो बीदर साउथ से MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और अब मुजीबुद्दीन पटेल साहब भी JDS पार्टी को छोड़ चुके हैं, जो उनका पोस्ट था JDS से बीदर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट। तो आइए हम आपको बताएंगे कि मीडिया से बात करते हुए मुजीबुद्दीन पटेल साहब ने JDS छोड़ने की क्या वजह बताई। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पर। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या? आज मैं जनता दल जिला कार्याध्यक्ष से कल रिजाइन दिया हूँ, अब मालूम होना है ना कि भाई हम भी जनता दल से रिजाइन दिए बोल के लोगों में भी, कि रिजाइन देने के बाद आप मीडिया के थ्रू और होमनाबाद वाले तालुके लोगों को भी ये होना कि जनता दल पार्टी से रिजाइन हो चुके हैं, टोटली मेरा जो दिन पटेल साहब की फैमिली ही जनता दल से दूरंदेशी किनारा कर चुकी है, मेरा जो दिन पटेल साहब की फैमिली टोटल, इस बिना के जनता दल का जो 94 में जनता दल एक ऐसी पार्टी थी के राज पार्टी बोल के इसको एक नाम था, जैसे देवेगौड़ा साहब की सदारत में, JS पटेल साहब की सदारत में, वो जनता दल का थोड़ा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो जनता दल कहाँ गई, अब ये जनता दल कहाँ है बोल के ऐसी हालत ये जनता दल में आ गए। अब हर राज पार्टी जाके जिला पार्टी हुई, घर पार्टी हो गई है, इसमें क्या है, पार्टी में जब देवेगौड़ा जी साहब को था हयात तक, उनकी हयात जब तक है हम उनका शुक्र उनके एहसान मंद है, जो मेरा जो दिन पटेल को एक स्टेट फॉरवर्ड लीडर बनाए उन्होंने, JS पटेल साहब, ये लोग सब मेरा जो दिन पटेल को एक अच्छा एक सीनियर लीडर है, एक सोशल एक्टिव लीडर है, सब समाज को लेके चलने वाला एक लीडर है बोल के उनको कर्नाटक का राज्य अध्यक्ष बनाए। और इस जनता दल में अगर ईमानदार कोई अगर पार्टी का वफादार आदमी था बोले तो तब अपनी हयात तक
उन्होंने जनता दल नहीं छोड़े। जब उनका इंतकाल हुआ उसी दिन भी वो पार्टी के एक कार्यक्रम में जाने के बाद गुलबर्गा शरीफ में गया, हुआ उनके हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। कि पहले पार्टी वर्कर्स से थी, आज पार्टी लीडरों से है। वर्कर से जो पार्टी रहती वो पार्टी वर्कर से ही पार्टी बनती। वर्कर वोटर्स अच्छे, लीडर्स अच्छे नहीं हैं, लीडर की सोच अच्छी नहीं है। 2008 से आप देख रहे, 2008 में मेरा जोदीन पटेल हारे, बीजेपी जेडीएस से नहीं हारे, उन्होंने कांग्रेस से नहीं हारे, उन्होंने हारे अपने लीडरों से। वर्कर वोटर अच्छे है, उमनाबाद तालुके के वर्कर भी अच्छे हैं, वोटर्स भी अच्छे हैं, लीडर्स अच्छे नहीं हैं, सब कमिटमेंट राज की करके। आज हमको तकलीफ है, एक सोशल एक एक्टिव आदमी, हर समाज को लेकर चलने वाला लीडर आज हमारे बीच में नहीं है। वो बदकिस्मती हमारी है कि ऐसे लीडर को हम खो चुके हैं। अब आने वाले दिन में हम तो कौम की खिदमत में, समाज की हर जात की खिदमत में हम काम करते हैं इंशाल्लाह, और आने वाले दिन में हम काम करेंगे। वोदा ही बहुत मेन नहीं रहता इंसान को, इंसान को खिदमत खल्क एक आधा इबादत का आधा हिस्सा है। तो हम कौम के हित में है। पार्टी क्या है, पार्टी एक आजकल पार्टियों का हिसाब अलग हो गए, पार्टी ऐसी हो गई तेर मैदान वहीं से लोग आ रहे जा रहे, कौन कौन पार्टी छोड़ के नहीं जाते, कौन कौन पार्टी में नहीं आते। ये चंद उसूल जो देवेगौड़ा साहब, जे एच पटेल साहब, मेरा जोदीन पटेल के दौर में जो पार्टी का एक रुझान था, एक सेक्युलरिज्म जो पार्टी थी, वो पार्टी अब हमको इस दरमियान में नज़र नहीं आ रही। क्यों, आज वर्कर है जे डी एस में, तमाम वर्कर अपनी ज़िंदगी उस पार्टी में गुजारे, उस पार्टी में अपनी पूरी उम्र गंवाए, और पार्टी से उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2000 मेरा जो दिन पटेल साहब इंतकाल होने के बाद म्युनिसिपैलिटी काउंसिल में 11 काउंसलर थे, जब चुड़गुप्पा काउंसिल में 8 काउंसलर थे मेरा जो दिन पटेल साहब के इंतकाल होने के बाद। आज वही काउंसिल में गुने चुने लोग हैं, हर कोई पार्टी के हित में या पार्टी के लीडर के वर्क से वो लोग नहीं जीते। जो भी जेडीएस के काउंसलर जीते बेचारे अपने व्यक्तिगत अपना पैसा खर्च करके, एक दो या आदमी या गोरे भाई है, पाशा मियाँ है, सुरेश सीगी के है, तीन काउंसिल के यहाँ है, चुड़गुप्पे में दो है, अलीकेड़ में एक है, ये लोग अपने पैसा अपने पर्सनालिटी पे अपने व्यक्तिगत पे क्या है चुने, कोई लीडर आए कि उनको सर एक क्लियर मैसेज दे कि आप क्या रीजन से पार्टी छोड़ रहे हैं, और मतलब एक इंडिकेशन नहीं दे रहे कहीं ना कहीं आप लीडर अच्छे, वर्कर अच्छे, लीडर अच्छे नहीं बोल के एक इंडिकेशन दे। मतलब आप बोल रहे हैं ना वर्कर अच्छे हैं, लीडर्स अच्छे नहीं है बोल के, क्लियर एक इंडिकेशन दे। बोलो ना, फिर क्लियर ही बोलो ना, वर्कर वोटर अच्छे है, लीडर्सों की वजह से लीडर्स आज क्या है पार्टी में कोई उतना इमेज नहीं है, किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं है पार्टी में। आज हम 94 से जेडीएस में है, कौन से ऐसे लीडर्स है जो हमारे से सीनियर है, मेरा जो दिन पटेल के घर फैमिली से, मेरा जो दिन पटेल के घर से सीनियर कौन लीडर है ये बताइए आप। सर आप तो एक अच्छा मुस्लिम खायद भी मिल चुका है सीएम फैज साहब के नाम से, तो आप देखो सीएम फैज साहब के बारे में मैं नहीं बोलता, मैं पार्टी छोड़ दे, मैं सीएम फैज के बारे में नहीं बोलूंगा। हालात में सीएम इब्राहिम साहब आए थे वहाँ पे, आप भी बैठे थे, प्रेस मीट कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि आज मेरे साथ में कौन बोल रहे कि मिराज पटेल की फैमिली साथ में नहीं है, ये देखो मिराज पटेल के भाई भी हमारे साथ में हैं, तो आप भी बैठे थे जब, देखो तब तो थे आप, क्या हो गया? देखो मैं आपको बात बोलूँ, मैं प्रेस में आपकी बात नहीं करा, शादी में कोई भी आता है बाजू दूल्हे के बैठे बाद दूल्हा थोड़ी ही होता है, मेरे को क्या प्रेस में आपको बात करा क्या, मैं इब्राहिम साहब के साथ हूँ बोल के बात करा क्या आपको? इब्राहिम साहब बोले कि मिराज पटेल आए, मैं गयास भाई मेरे को रायसुर में मिले, चाय पी रहा था, मैं गयास भाई मैं प्रेस मीटिंग दे रहा हूँ बोल के थोड़ी बोल सकते, बैठा था बुलाया उन्होंने गया बात करा आया, उसके बाद तो मेरा ऐसा क्या चीज़ हो गई जो दूरी अख्तियार करना पड़ा? देखो दूरी अख्तियार करना बोल के नहीं, आज भी हम जनता दल पार्टी से हमको कोई तकलीफ नहीं है,
जनता दल पार्टी से डेवलप भी हो गए हम, जनता दल पार्टी से हम तरक्की भी करें हम, जनता दल से नहीं है, आज के हालात से हम मजबूर है, इसलिए हम हमारी दूरंदेशी हम कर लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज जो अहमदाबाद को आए एमएलए इलेक्शन को टहने के लिए, जब से पुराने लीडर्स में जैसे कि अब्दुल रहमान गोरे साहब लियो, दस्तगीर साहब लियो, एडवोकेट रामपुरे लियो, फिर आप ऐसे बहुत सारे हैं, परवेश पटेल साहब है, सारे लोग उनसे दूरी क्यों इख्तियार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो मैं आपको बोलूँ, मैं जेडीएस का कैंडिडेट के इसमें नहीं था। हाँ गोरे भाई है, सतीश रामपुरे है, परवेश पटेल है, दस्तगीर साहब है, ये लोग 2013 से ये लोग क्या है कैंडिडेट आकांक्षी में थे, वो लोग 13 में थे, 18 में थे, उनका हक है पार्टी में, उन्होंने एक पार्टी के लिए काम करे हुए है, जो लोग मेहनत करता है उसकी तो मजदूरी होना ना, पूछे उनसे, उनको कई बार आश्वासन दिए, स्टेट के लीडर बोले कि भाई तुमको 2013 में नसीम पटेल का काम करो, 18 में देंगे बोले, 18 में उन्होंने भी आस रखे बेचारे, 18 में भी मिलेंगे बोल के, 18 में भी उनको नहीं मिला। अब वो हाईकमान को उनको मालूम है, हमको क्या मालूम, मैं तो कैंडिडेट की लिस्ट में तो हूँ नहीं, शुरू से आपके मीडिया में बोला हूँ, जिसको भी देते लोकल वाले हैं, सीनियर लोग हैं, उनको दे उनका काम करेंगे बोल के हम वही बोलते हैं, आज भी बोले, कल भी वही बोले। अब जैसा कि अभी जेडीएस पार्टी के जो अध्यक्ष है सीएम इब्राहिम साहब, सीएम इब्राहिम की जगह पे एक टाइम में हुआ करते थे मिराजुद्दीन पटेल साहब, मिराजुद्दीन पटेल साहब का इंतकाल हो गया, तो अभी आप लोग कोई मेन जो ठहराया जाता था जेडीएस में, तो आप लोग ही जिला से भी घर वापसी बोले, तो घर वापसी के बाद में फिर आपका क्या है जेडीएस के बाद? जेडीएस के बारे में मैं तो घर से के बाद में क्या स्टैंड रहेगा, मैं आपको अभी बोलूँगा, आपको जब मेरा कोई सोच है, मैं आने वाले जो भी दिनों में मैं जो भी आगे कदम उठाऊंगा आपके मीडिया के थ्रू ही जाऊंगा। मैं थोड़े बहुत लोगों से हमें सुनने में आ रहा था कि अभी मुजीबुद्दीन पटेल साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, मैं नहीं क्या भी लड़ूंगा, मैं क्या भी मेरा आगे का जो भी सोच है, मेरा आने वाले दिन में मैं जो भी स्टेप लेता हूँ आपके थ्रू ही बोलता हूँ। देखो जमहूरियत है, खासकर नाराजगी किससे? नाराजगी किसी से नहीं, हम कुमार स्वामी साहब के साथ में है या देवगौड़ा साहब के साथ में है, फिर क्या इब्राहिम साहब के साथ में है, सीएम फैज साहब के साथ में, देखो या गोरे साहब के साथ में, दस्तगीर साहब के, आखिर मेन नाराजगी कहाँ से है? नाराजगी हमको किसी से भी नहीं है, हमको नाराजगी जो टाइम जो वक्त आने वाला है वो वक्त से पहले हम हट जाना बोल के चले। नाराजगी किसी भी नहीं, मतलब जेडीएस में रह सकते थे आप, नाराजगी है इसीलिए तो आप जेडीएस। अभी आपको बोल रहा हूँ ना, चंद लीडरों से हमारी नाराजगी है, चल में से बोल, मैं बोलूंगा आपको, लीडर से नाराजगी है। कौन से लीडर? मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसको मैं नाराज हूँ उनको समझ में आता, पब्लिक को क्या कंफ्यूज में रख रहे हैं? सुनो, लीडर्स ने कमिटमेंट राज की है, यहाँ कमिटमेंट राज की तरफ से हमको तकलीफ हुई, 2008 में कमिटमेंट राज की हो गई, नसीम मिराजुद्दीन पटेल साहब क्यों आ रहे, 2008 में मिराजुद्दीन पटेल साहब आने की वजह क्या है? वोटर्स नहीं आ रहे, वर्कर्स नहीं आ रहे, लीडरों की कमिटमेंट राजकीय से मिराजुद्दीन पटेल आ रहे, 2013 में नसीम पटेल क्यों आ रहे, वोटर्स नहीं डाले, 44,000 वोट हमनाबाद के लोग तालुके के हर जात वाले वोट डाले, 2018 में क्यों आ रहे, कई वजह है इसकी। आप नाराजगी तो नहीं बता रहे किसके भी ऊपर में नाम लेके, तो हम आपको ये सवाल करेंगे कि सीएम इब्राहिम साहब के बेटे सीएम फैज कैसे हैं फिर अहमदाबाद में कैंडिडेट के लिए? अच्छे, खूबसूरत है, खूबसूरत है, अच्छे, हैंडसम है, खूबसूरत है, अच्छे स्पोकर है, अच्छे बात करने का अंदाज है उनके पास। तो अगर वो जीत पाएंगे तो अहमदाबाद के लिए कुछ नहीं जीत पाएंगे? आप मुझे क्या बोले, सीएम फैज कैसे है तो खूबसूरत है, जीत पाएंगे बोल आप, खूबसूरत है, हैंडसम है, ग्रेजुएट है, राज्य अध्यक्ष के बेटे है। देखो किसकी मर्जी है, जमहूरियत है, सियासत है, कौन कहीं भी जा सकता है। अभी नसीम पटेल आम आदमी में है, मैं जेडीएस छोड़ दिया, अब मेरा क्या है कि आगे रिश्तेदार है वो, सियासत में किसी का रिश्ता नहीं रहता। तो अहमदाबाद की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अहमदाबाद की आवाम को यही बोलता हूँ कि जो आप लोग मिराजुद्दीन पटेल की बाय हयात में एक ग्राम पंचायत लेवल के एक आदमी को
ममनाबाद के तमाम सर्व धर्म जात के लोग जो मेराज पटेल को एक स्टेट में एक स्टेट फॉरवर्ड लीडर बनाए, आप तमाम ममनाबाद की आवाम का हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ममनाबाद की हर जात की आवाम के साथ ता हयात तक हम उनकी खिदमत में रहेंगे। इंशाल्लाह हमको ओहदे की आस नहीं है, ओहदा अल्लाह सौंप दिया, यही वोटर्स की मेहरबानी, यही वोटर्स की दुआ से राज्य के मिनिस्टर बने, राज्य अध्यक्ष बने, MLA बने, ZP अध्यक्ष बने, सब चीज़ बने, हम कोई चीज़ की ख्वाहिश अल्लाह हमको नहीं रखा। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के सदक़े से सब लोग मेराजुद्दीन पटेल का नाम आज भी ता क़यामत तक भी वो नाम कायम रहेगा। हर मेरी एक रिक्वेस्ट है नौजवान लोगों से, नौजवान बच्चों से, कोई समाज का होंगे, आप अपने वोट जो बाबा साहब वोट डालने का एक हक दिया आपको, गुप्त वोट दीजिए। आप ये लीडरों के हवाई चक्करों में मत फिरो। लास्ट टाइम वहाँ हादसा हो चुका है, यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं था, कई नौजवान जेल के शिकार हो गए। आप एजुकेटेड है तो आपका वोट, आप वोट के दिन जाके डालना, किसी लीडर के पीछे फिरने से अपना फ्यूचर अपना कैरियर ख़त्म मत करना। बोल के मैं नौजवान बच्चों से बोल रहा हूँ, नौजवान भाइयों से बोल रहा हूँ, आज माहौल ख़राब है हमारी रोज़ी, मुसलमानों की आज क्या हालत है, चंद मुसलमान अच्छे हैं तो होगा, कोई मुसलमान चाय की होटल ज़िंदगी कर रहा, कोई अपनी तरकारी बेच कर ज़िंदगी कर रहा, कोई अपने फूल, कोई मुसलमान के हित में पूछने वाला है? इलेक्शन आ रहे, आप बोल रहे कोई कुकर बांट रहा, तो आप साड़ी बांट रहे। वीर भद्रेश्वर का यात्रा, मैं तो 70-80 साल से, तो हमारी उम्र तो 50 साल है, जब कोई लीडर आके दासू नहीं करा, कोई आके मेरा जो दिन पटेल की बा हयात में उन्होंने अपना सालगिरह मनाते थे, बेवाओं के लिए चश्मा यानी खून का हत्या देने का कार्यक्रम रहता था। राज की के वास्ते लोग को मालूम है आज लोग क्या बोल रहे, कौन हमारे लोग, अल्लाह का करम है कि किसी की जिंदगी में कोई गरीबी है क्या? कोई आदमी एक खेत का काम करने वाला अपनी मियाँ अपने माँ बाप को खुश करने के लिए क्या तो मिर्ची रोटी खा के तो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा? लोगों को मालूम है, लोग समझ रहे, इलेक्शन आया सब पढ़ते, इलेक्शन में भगवान याद आते, गुड़िया याद आते, दरगाहें याद आते, मस्जिद सब याद आते, लोग साहिब समझ है। आज हमारी यंग जनरेशन ऑनलाइन व्हाट्सएप फेसबुक पे आज हमारी जनरेशन बहुत होशियार हो गई, लीडर लोग समझ रहे, लोग होशियार नहीं है, आपसे ज़्यादा होशियार है लोग, वोट डालने का उनके पास सोच समझ है आज। तो इसलिए हम बोल रहे कि लोगों को गुमराह मत करो, अपने मफाद के लिए आप राजकीय मिसयूज़ मत करो। आप लीडर बन रहे, आप रहनुमा बन रहे, तो दिल से आप उनकी खिदमत करो, दिल से उनका काम करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उसको खुश होते हैं।